गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सबको ही अच्छे से होंगे। तो ये देखिए मैगी टेडी कैसे झगड़ा लगे हैं दोनों सुबह सुबह। तो अभी अभी हम लोग जाने वाले हैं मॉल, और मॉल में आ गए हैं हम लोग सुबह सुबह। हर्षी के लिए कुछ ख़रीदना था सो हम लोग यहाँ पे आए हैं। हर्षु हर्ष रहा है जो मैं चल रही हूँ, टिक 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 करके चल रही हूँ। अभी हम लोग मॉल से वापस आए, जो लेने गए थे वो तो कुछ नहीं मिला, और हम लोग सब फालतू फालतू का सब चीज खरीद के ले आए। ये एक तो बढ़िया चीज है, देखिए चिप्स है, इसमें तेल कम रहता है, और हम लोग ये लेके आए। एक को ये 100 रुपीज है, लेकिन फ्लेवर देख खा के देखते हैं कैसा है इसका। अरे और मैं दिन में एक बार ही खाऊंगी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कह सके मैंने ये बास्केट लेके आई हूँ, ये उसके साथ और ये इसके साथ, ये लिया 99 रुपीज़ 10 स्मार्ट में। इतना अच्छा बास्केट है, जब मेरा डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे उधर सब पड़ा रहता है ना, ये ऑर्गेनाइज होके ऐसा रहेगा अच्छा से। इसमें मेडिसिन वगैरह जो भी है सब, मैं ऐसा और एक लाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, तो बहुत सुंदर चीज़ है। ये लेके आए हैं और सब क्या क्या सब लेके आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस मैंने चेंज कर लिया है, हर्ष ने भी चेंज कर लिया है, हम लोग चेंज करके आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या नहीं लेके आई हूँ। हम लोग गए थे कुछ और काम करने, कुछ और काम करके आए हैं, तो ये सब मैं लेके आई हूँ। इसमें से बहुत सारा चीज रख भी दी हूँ, तो दिखा रही हूँ आपको क्या क्या चीज लेके आई हूँ मैं। फ्रेंड सबसे पहले मैं ये बास्केट लेके आई हूँ, जो चीज मैंने यहाँ पे जो दिख रहा था अभी के लिए मैंने ऐसे रख दिया है। मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, और उसके साथ ये भी है और ये भी है। ये सिर्फ मुझे 99 रुपीस में मिला है, और बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए इसमें मैं मेडिसिन रखी हूँ, उसमें भी मेडिसिन रखी हूँ, और ये सब में मैंने मेडिसिन रखा है, इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। लाई हूँ ये एक आटा नूडल्स लाई हूँ, कछू तो मैगी खाना छोड़ दिया है, फिर भी कभी कभी इमरजेंसी के लिए मैगी हो तो अच्छा है, घर में मैगी रहना अच्छा है। तो ये मसाला वेज आटा नूडल्स है, बिस्किट एक कॉम्बो में ले आई हूँ, फैमिली पैक गुटे का, ये तो खाता है हर्षू। ओट्स ले आई हूँ मैं, जो मेरा जो फेवरेट है मसाला ओट्स, क्लासिक मसाला ये वाला, और ये वाला है वेजी ट्विस्ट। एक एक का प्राइस है 15 रुपीस, तो मैं ये ले आई हूँ 15 को पैकेट में ये सब ले आई हूँ। सूप लेके आई हूँ, बीच बीच में उसको भूख लगता है तो ये एक कप में एक डाल के पी सकता है, का सब अलग अलग फ्लेवर का देख के ले आई हूँ। चावल मैंने खोला नहीं है, जब चावल खोलूंगी, ये बिरयानी राइस है, और इतना लंबा लंबा राइस बहुत कम रेट में मिल रहा था, सिर्फ 89 रुपीस में मिल रहा था। सो मैंने सोचा कि जब हम लोग खरीदते हैं ना जो इंडिया गेट का बासमती राइस, जो बिरयानी राइस, सो वो पड़ता है 175 या 185 ऐसा कुछ पड़ता है, तो ये मुझे खाली 85 में मिल गया। तो ये इतना लंबा लंबा राइस है, बहुत ही सुंदर राइस है, तो मैं इसमें से 2 किलो ले आई हूँ बिरयानी वगैरह सब बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक तो रियल का मिक्स फ्रूट वाला जूस लेके आई हूँ, डार्क सोया सॉस चिंग्स का, तो ये भी मुझे बहुत ज़रूरत था, ये मुझे बहुत दिन से नहीं मिल रहा था जो लॉकडाउन के लिए, तो ये भी मुझे मिल गया। चिंग्स का एक तो बहुत अच्छा चटनी है, क्या कस्टर्ड पाउडर लेके आई हूँ, ये सब मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर लिया है। कोल्ड ड्रिंक्स भी ले आई हूँ, जो ये ख़त्म होने के ऊपर है, हम लोग अभी जस्ट पी लिए सब, धूप में आए थे ना गर्मी लग रहा था। सो और ये आइसक्रीम एक तो वनीला का लेके आई हूँ, जो कि मेरे नज़र नहीं हट रहा है, बहुत दिन के बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी कोरोना काल में, तो ये लेके आई हूँ। इसमें से थोड़ा सा हम लोग खा लिए और है आधा है। तो ये था फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ, तो बहुत लेट हो गया है डिनर बनाने के लिए, डिनर बना के रख लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अभी ऊपर में कैमरा रख दिया है, और ये मैं अभी पनीर बनाने जा रही हूँ, तो मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, और उसका मसाला मैंने रेडी करके पहले से ही रख लिया था फ्रिज में। तो ये देखिए इसमें एक साथ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कच्चा मिर्चा जो है वो डाल दी हूँ,
तो अभी मैं पैन बिठाई हूँ, पैन में तेल डालूंगी, पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर से कैमरा ऑन किया, ऊपर रखी हूँ ताकि ये सब अच्छे से दिखे, लेकिन मैं खुद ही नहीं दिख रही हूँ। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं अभी ये मसाला डाल दूंगी थोड़ा स्लो करके, क्योंकि ये पूरा मतलब छिटकेगा नहीं। तो आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जैसे प्याज अदरक लहसुन टमाटर को पूरा फ्राई करके फिर आप उसको जो ग्राइंड करके पेस्ट बना के फिर उसको आप डाल के पनीर डाल सकते हो, वो और भी टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने इस टाइप का बना लिया है, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो उस टाइप का बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी देखिए थोड़ा सा जोर कर दी हूँ मैं, तो अभी हम लोग इसमें प्याज है टमाटर है सब मसाला है, तो अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक इसका तेल पानी खत्म नहीं हो के तेल ऊपर नहीं आए, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब मसाले हम अभी से डाल देते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, नमक, क्योंकि ये ग्रेवी रहेगा तो नमक आप इसी अनुसार आप नमक डालिए। कोई भी सब्जी मसाला हो आपके पास, शाही पनीर मसाला हो वो भी डाल दीजिए। मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लास्ट में मैं डालूंगी गरम मसाला। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अभी हमको इसको बहुत पकाना है, जैसे कि ये पानी खत्म होके तेल निकले, तेल निकलने से जानोगे कि मसाला पूरा हो चुका है। तो अभी ये होते होते हम थोड़ा स्लो कर देंगे गैस को, हम पनीर काट लेते हैं। पनीर 250 हम लोग दोनों के लिए काफी है, तो मैं इसको थोड़े बड़े बड़े पीस में काटूंगी। तो ये मैंने पनीर काट लिया, पूरा पनीर काट के मैं रखी हूँ। जब ये मसाला हो जाएगा तो उसके ऊपर डायरेक्ट मैं डालूंगी, क्योंकि उसको मैं फ्राई नहीं करूंगी, डायरेक्ट डालूंगी। डायरेक्ट डालने से क्या होता है, पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है और ऊपर ऊपर तेल आ रहा है, लेकिन हम लोग को और भी उसको पकाना है जैसे कि पूरा ग्रेवी सूख जाए। इसमें प्याज है तो इसको अच्छे से पकाना है, तो हम इसको अभी 5 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे कि ये जैसे तेल निकल आए। फ्रेंड्स अभी मेरा डिनर भी बन जाएगा और मेरा सब घर वर भी अभी साफ हो चुका है। प्रिया भी जा चुकी है काम वाम वगैरह सब करके, तो आज वो जल्दी चली गई क्योंकि उसको मम्मी का हाथ कट गया है ऐसा कुछ बोली, तो घर में जाके वो खाना भी बनाएगी। सो मैंने उसको बोला ठीक है तुम चले जाओ। सो मैं भी डिनर वगैरह बना के अभी मेरा हो गया 7:30 बज चुका है। अभी मैं क्या करूँगी डिनर करके, अभी हम खाना खा के फिर हम लोग सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम लोग आज मॉल गए थे, तो कौन से हम लोग कपड़ा खरीदने गए थे और इधर भी घर में छोटा छोटा चीज़ चिप्स वगैरह देखने से भी मन करता है। चिप्स भी 2 लाए थे जो कि हम मैं आपको दिखाई नहीं, एक तो प्रिया को दे रही हूँ उसको घर में ये करके और हर्ष को खाया है, और एक तो और एक चिप्स लाई हूँ अच्छा वाला जो दिखाई थी आपको ना लंबा वाला, वो वाला चिप्स लेके आई थी। और चाय पत्ती एक तो लेके आई थी वो भी आपको नहीं दिखाई, पापड़ एक तो लाई थी वो भी मैं खोल दी हूँ। सो ये अगर पनीर बन जाएगा, पनीर बनने के बाद हम लोग खाना खा के तब लोग सोएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मेरे नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो देखते हैं अभी मैं अभी रख रही हूँ, कल मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा हो गया है, देखिए तेल छोड़ रहा है ये मसाला, तो अभी ये वाला देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है और ये पूरा तेल छोड़ रहा है, तो आप जानोगे कि ये मसाला पूरा हो चुका है। तो अभी हम लोग को जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही ग्रेवी हम लोग रखेंगे, मैं उतना पानी डालूंगी, आप भी उतना ही पानी डालिएगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि ग्रेवी मुझे बहुत कम ग्रेवी चाहिए।
देन मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। सारे जो पनीर है कच्चा उसमें डाल दूंगी और यही बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। अगर हम लोग उसको ये कर देंगे ना, जो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो ये पनीर पूरा रबड़ी बन जाएगा और पूरा टाइट हो जाएगा, तो खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो ये जब थोड़ा सा बॉइल्ड होने आए, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट बस इसको ये कीजिएगा, जैसे कि पनीर के अंदर ये जो पूरा जो ग्रेवी है पूरा मिक्स हो जाए, तो उसके ऊपर आप धनिया पत्ता दे दीजिएगा, तो आपका पनीर रेडी।